टू टेल दिस स्टोरी. मैं कजोल को मिली, बट ऑफ कोर्स वी मेट बिफोर बिकॉज आई गेव माय वॉइस फॉर द मिनसारा कडलु व्हिच इज द तमिल ऑफ सपने. सो और आफ्टर ऑल दैट शी सेड रेवती आई एम लिसनिंग टू दिस बिकॉज इट इज यू बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर यू. सो आई जस्ट स्माइल्ड. ठीक है आप सुन लो. फिर समीर जी जो नहीं हुए उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा. उसके बाद कजोल कम्स आउट एंड सेज अरे बट यू नो ये जो गाना है वो उसका मैं गाऊंगी एंड देन शी और मेरा ड्रेस ऐसा होना चाहिए. तो भी मैं मुस्कुराती रही. आई रियलाइज दैट उनके जो अंदर जो माँ है तो जो एक्टर है शी हैड एक्चुअली एक्सेप्टेड इट. फिर उसके बाद उसका जो बुद्धि है तो मैं अभी अपना जवाब बताती हूँ. मेरा वर्जन सुनिए. ये वर्जन 2.2 है, मेरा वर्जन 1.5 है. तो इसमें बेसिकली मैंने रेवती मैम को पहले से बता दिया. देखिए मैं कहानियां नहीं करती हूँ जहाँ पे बच्चे बच्चे होते हैं. जैसे आपने कहा है आई थिंक इट्स समथिंग दैट एवरी पेरेंट्स वर्स्ट नाइटमेयर जिसे कहते हैं, मतलब सबसे बुरी चीज जो अपने आप के बारे में सोच सकते हो या किसी के ऊपर विश भी नहीं कर सकते हो, किसी मतलब किसी दुश्मन पे नहीं बोलोगे कि यू नो होने के लिए उनकी जिंदगी में. आई थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, इट्स दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. बट आई डोंट नो, इट्स द वे द स्क्रिप्ट वाज रिटन एंड आई हैव फेथ इन रेवती मैम बिकॉज उन्होंने पहले भी एक पिक्चर बनाई थी जो बहुत बहुत पहले, और उस वक्त जो पिक्चर बनाई थी वो मैंने देखी थी मुश्किल से, बट मैंने देखी थी और मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैंने सोच लिया था कि इफ शी एवर अप्रोचेस मी फॉर अ फिल्म, ऑफ कोर्स आई डोंट हैव द गट्स टू से नो टू हर, बट इफ शी एवर अप्रोचेस मी फॉर अ फिल्म शी विल बी द काइंड ऑफ डायरेक्टर दैट आई वुड लव 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 टू वर्क विद. एंड इट्स शी हैज अ She has that ability to take something that is, to take a situation and to make it something extraordinary and in the most positive way possible. And I think that's why hum sab yahi bolte hain uske bare mein, that you know Reti was such a positive person. When I was saying that unhone zindagi mein I think pure schedule mein main कितने डायरेक्टरों के साथ काम कर चुकी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे यू नो सब चिल्ला पड़ते हैं और उनकी गलती नहीं है. इट्स द फ्रस्ट्रेशन, इट्स यू नो यू बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, यू आर टायर्ड, यू लूज योर टेम्पर एंड यू नो यू येल. कभी कभी एक्टर पे होता है, कभी कभी यू नो किसी और पे होता है और टेक्नीशियन पे होता है, कभी कभी होता है. लेकिन रेवती मैम को हमेशा हर दिन 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात को आपने कभी उनकी आवाज़ ऊँची नहीं सुनी, उनका चेहरा कभी शांत से ऊपर गया नहीं, और मैंने अगर कुछ जोक्स क्रैक करने की कोशिश भी की तो हंसी भी. तो आई थिंक शी इज दैट अमेजिंग अ पर्सन. और अगर जैसे आपने कहा है ये टॉपिक बहुत सीरियस है और हाँ हम सब ऐसे चीजों के बारे में सोच के डर जाते हैं, लेकिन आई थिंक रेवती मैम टुक द फियर आउट ऑफ दैट. उन्होंने डर निकाल दिया उस चीज से एंड आई थिंक सलाम मैम की इज अबाउट दैट. It's about the celebration of life. It is about celebrating your life, and life has to be big. जैसे कहते हैं ना कि कभी-कभी you know ज़िंदगी इतनी छोटी भी हो, लेकिन how long have you lived it? आपने कितनी वक्त आप कितना वक्त जी चुके हो कि आप सिर्फ exist कर रहे हो. So I think that's the wonderful part about the topic. I think Reti ma'am as a director has done a wonderful, wonderful job. जब आप पिक्चर देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा है, आप जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस स्टेज पे स्टार, असली स्टार एंड ओनली स्टार कौन है. रवि मैडम, मेरा सवाल आपसे है. हाँ जी.